असलम viewers वेलकम टू द फिफ्थ डे वीडियो ऑन Montessori कोर्स और आज की वीडियो है मैथमेटिकल स्किल्स के बारे में जी हाँ आपके बच्चे में मैथमेटिकल स्किल्स किस तरह डेवलप की जा सकती हैं और वो कौन कौन सी एक्सरसाइज़ हैं जिनको करवाने से आपके बच्चे में ये एबिलिटीज़ पैदा होंगी तो आइए देखते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वाट एज मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तो जनाब मैथमेटिक्स डील्स विद द शेप्स स्पेस नंबर्स रिलेशनशिप्स एंड एट्रीब्यूट्स बाय द यूज ऑफ नंबर्स एंड सिम्बल्स इट्स अ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पैटर्न इन द मॉडसरी क्लासरूम ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ मैथ्स एक्टिविटीज आर प्रेजेंटेड टू द चाइल्ड इंक्लूडिंग काउंटिंग न्यूमरेशन द डेसिमल सिस्टम कंप्यूटेशन एंड अर्थमैटिक टेबल्स एंड ऑल The fractions and geometry, all the things are done through material and through activity based learning. So let's move on and see which kind of material we use in mathematical exercises. इन एक्सरसाइज़ को हम थ्री uh, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसमें सबसे पहले तो ईपीएल पी एक्सरसाइजेस आ गई जो कि हमारी मोडिसरी कोर्स की जो सेकंड वीडियो है अगर आप वो देख लें तो उसमें जो एक्सरसाइजेज़ जो हम करवाते हैं उसमें मैथमेटिकल माइंड की डेवलपमेंट ऑलरेडी uh, शामिल है और वो मैं आपको उसकी डिटेल अपनी सेकेंड वीडियो में दे चुकी हूँ इसी तरह एक्सरसाइजेज़ फॉर सेंसोरियल डिवेलपमेंट इसकी एक्सरसाइजेज़ भी मैं आपको अपनी थर्ड वीडियो में दे चुकी हूँ जो कि सेंसोरियल डेवलपमेंट के ऊपर है और उसमें काफ़ी एक्सरसाइज़स ऐसी हैं जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज़ होती हैं तो उसकी डिटेल जानने के लिए आप मेरी थर्ड वीडियो देख लीजिएगा आज मैं आपको सिर्फ मैथमेटिकल एक्सरसाइजिज़ के लिए जो स्पेशली डिज़ाइन मटेरियल बनाया गया है मॉन्स्री मेथड ऑफ टीचिंग में वो मैं आपको समझाऊंगी और उसके बारे में डिटेल बताऊंगी। यहाँ हम मॉन्ट्री एक्सरसाइजिस को फोर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे अपनी आसानी के लिए ये ग्रुप्स जो हैं वो कुछ हिस्सा से हैं कि नंबर जीरो टू नाइन फर्स्ट ग्रुप में सिखाए जाएंगे और फिर डेसिमल सिस्टम देन काउंटिंग बियड टेन देन मेमोराइजेशन ऑफ अर्थमेटिक टेबल्स एंड देन फोर मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन सो लेट्स मूव ऑन जी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नंबर्स इज़ थ्रू सैंड पेपर नंबर्स और सैंड पेपर नंबर्स में भी सैंड पेपर लेटर्स की तरह ये वुडन स्क्वेयर्स के ऊपर सैंड पेपर से बने हुए नंबर्स पेस्टेड होते हैं जिसको बच्चा टच करके और फील करता है उसकी फॉर्मेशन सीखता है और उसके साथ साथ नंबर सुनता और बोलता है तो उससे उसको नंबर्स की रिकगनीशन होती है जी ये रेड और ब्लू कलर के नंबर रॉड्स जो हैं ये बच्चे को काउंटिंग सिखाने के लिए हेल्पफुल होते हैं और इसके ज़रिए बच्चा न सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन टू टेन उसको करवाया जाता है बल्कि वो बच्चे की क्वांटिटेटिव जो इमेजिनेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करता है कि नंबर्स की दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है नंबर्स का सीक्वेंस क्या है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चे को थ्रू नंबर रॉड्स का आ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं थर्ड एक्सरसाइज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नंबर्स टू आर चाइल्ड इस थ्रू स्पिंडल बॉक्स और स्पिंडल बॉक्स में जीरो से ले कर और नाइन तक के नंबर्स के कंपार्टमेंट होते हैं और इन कंपार्टमेंट में स्पिंडल्स रखने होते हैं बच्चे ने जो कि उसको एक्जैक्टली फोर्टी फाइव स्पिंडल्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं और हर कंपार्टमेंट में उसको कहा जाता है कि एक जो नंबर लिखा हुआ है उतने ही स्पिंडल्स उसमें वो रखता जाए तो ज़ीरो कंपार्टमेंट में वो कोई स्पेंडल नहीं रखता इस तरह से उसको कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ज़ीरो मींस नथिंग और इस कंपार्टमेंट में हम कुछ भी नहीं रखेंगे और इस स्पिंडल बॉक्स का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें एग्जैक्टली फोर्टी फाइव होने से बच्चा अगर कहीं मिस्टेक करता है किसी कंपार्टमेंट में कहीं गलत स्पिंडल रखता है तो आखिर में उसके पास नाइन्थ कंपार्टमेंट में रखने के लिए पूरे नाइन स्पिंडल्स नहीं बचते जिससे उसको पता चल जाता है कि उसने पीछे कोई मिस्टेक की है और वो फिर दोबारा से उसको काउंट करके अपनी मिस्टेक्स को ख़ुद करेक्ट करता है Next exercise is the use of number cards and counters. Numbers cards and counters. Se bacha sirf नंबर uh, रिकोगनीशन ही नहीं सीखता उसकी काउंटिंग भी सीखता है और साथ साथ एक इनडायरेक्टली उसको इवन और ऑड नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट जाता है कि जिस नंबर uh, uh, में नीचे uh, एक अकेला काउंटर uh, बचता है वो नंबर ऑड नंबर्स होते हैं और जहाँ पेयर कंप्लीट हो रहा होता है वो नंबर इवन नंबर्स होते हैं तो इनडायरेक्टली हम इसमें इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट भी बच्चे को दे रहे होते हैं जी बहुत मजे की एक एक्टिविटी जिसके थ्रू हम नंबर्स का कॉन्सेप्ट देते हैं वो है थ्रू पोएम्स पोएम्स एंड राइम्स इंक्लूडिंग नंबर वकेबलरी कैन बी हेल्पफुल इन इलस्ट्रेटिंग एंड री इन्फोर्सिंग नंबर कॉन्सेप्ट और बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं तो आइए एक uh, मैं आपको नंबर राइम सुनाती हूँ One, eight, nine, ten. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. जी देखा आपने कितना फ्रेश हो गए आप और बच्चे तो इसको इतना इन्जॉय करते हैं और मैथ्स में बच्चों को बीच में एक्टिविटी के दौरान इस तरह से फ्रेश करना और एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है तो अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ दैट इज़ डेसिमल सिस्टम अब बच्चा जो है वो नाइन्थ तक नंबर्स पूरे सीख चुका है रिकगनाइज़ कर चुका है अब उसको डेसिमल सिस्टम यानी टेन ऑनबर्ड्स काउंटिंग की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए हम क्या क्या एक्सरसाइजेस यूज़ करेंगे तो इसमें इस डेसिमल सिस्टम के लिए पहली एक्सरसाइज है गोल्डन बीड मटेरियल। ये गोल्डन कलर के बीड्स पे मुश्तम तो मटेरियल स्पेशली डिज़ाइन होता है और मार्केट में अवेलेबल होता है लेकिन आप इसको खुद भी बना सकते हैं फर्स्ट इसमें जो है वो सिंगल बीड है जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में रखा हुआ है वो सिंगल बीड है जो कि यूनिट को रिप्रेजेंट करता है उसके बाद टेन बीड्स को एक साथ एक तार में पिरो के एक स्ट्रिंग बनाई जाती है जो कि टेंस को रिप्रेजेंट करती है उसके बाद हंड्रेड्स को के लिए इन टेन टेन बीड्स वाले टेन बार्स को जॉइन किया जाता है तो वो एक स्क्वायर शेप बन जाती है जिसको हम हंड्रेड स्क्वायर कहते हैं और उसके बाद इन हंड्रेड स्क्वेयर्स को टेन स्क्वेयर्स को मिला के एक क्यूब की फॉर्म में एक साथ बांध दिया जाता है या इसको स्क्वेयर की शेप दे दी जाती है और सॉरी क्यूब की और इसमें इस, इस बच्चे को बताया जाता है कि ये थाउजेंड क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा अच्छी तरह से गोल्डन मेड मटेरियल को पहचान जाता है तो फिर क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्डन मटेरियल नहीं होता वो पॉसिबल नहीं है कि हर एक्सरसाइज़ जो है या हर क्वेश्चन जो है वो गोल्डन मटेरियल से करवाया जाए लार्जर नंबर्स के लिए फिर हम इस तरह के क्यूब्स और स्क्वेयर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और इसमें स्क्वेयर कार्ड्स या कार्डबोर्ड पे न, या वुडन मटेरियल पे ये बीड्स की वो शक्ल में ड्रा हुए हुए होते हैं और जब बच्चे को ने एक दफ़ा बीड्स मटेरियल देखा हुआ होता है तो वो उसको रिलेट करता है उसी के साथ और उसको उसी तरह यूज़ करता है जिस तरह वो बीड मटेरियल को यूज़ कर रहा होता है तो इस तरह इस क्यूब्स के ज़रिए हम बच्चे को कॉन्सेप्ट देते हैं थाउजेंड का और हंड्रेड्स के नंबर्स का फिर आते हैं ये लार्ज नंबर कार्ड्स बहुत इफेक्टिव हैं बहुत मज़े के ये कार्ड्स होते हैं बिल्कुल आसानी से घरों पे भी बनाए जा सकते हैं और इससे ना सिर्फ लीनियर काउंटिंग बल्कि बेशुमार एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप करवा सकते हैं और इन नंबर कार्ड्स के ज़रिए रिकग्निशन ऑफ नंबर्स और एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑल अदर एक्टिविटीज़ कैन बी डन जो कि हम आगे बीड्स मटेरियल के साथ मिला के भी कर सकते हैं इसको और फर्दर जो है टेबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मतलब ये एक दफ़ा आप मटेरियल बना लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपने अपने बच्चे को हर किस्म का मैथमेटिकल कॉन् कॉन्सेप्ट जो है वो इन नंबर कार्ड्स के ज़रिए देना है और इससे बच्चे का बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट जो है वो डिवेलप होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है इसका बच्चे को टीन बोर्ड और टी बोर्ड्स के जरिए हम टीन नंबर्स एंड टी नंबर्स यानी ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी एंड नाइन्टी ये नंबर्स सिखाते हैं और ये नंबर्स यूज़ होते हैं फिर बच्चे की नंबर नेम सीखने के लिए नंबर नेम्स उसको आइडेंटिफाई हो जाते हैं और इस से उसके साथ साथ वो स्पेलिंग लर्निंग भी सीख लेता है गोल्डन बीड्स के साथ साथ ये कलर्ड बीड्स भी हम यूज़ करते हैं और इनको भी इन नंबर बोर्ड्स के साथ प्लेस करके बच्चे को कॉन्सेप्ट देते हैं कि नंबर की क्वांटिटी जो है वो कितनी है और नंबर कौन सा है तो ये दोनों चीज़ें पैरल भी यूज़ होती हैं और इसके साथ नंबर कार्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं कलर्ड बीड्स मटीरियल के साथ नंबर कार्ड्स भी यूज़ होते हैं और साथ में ये टी वाई बोर्ड और टीन बोर्ड भी यूज़ होता है अब ये सब कुछ अगर आपके बच्चे को आ गया है तो उसके बाद आप स्टैम्प गेम की तरफ बच्चे को ला सकते हैं इजीली और ये स्टैम्प गेम जो है ये बच्चे की फोर ऑपरेशंस को सीखने में मदद देती है इसके थ्रू हम उसको एडिशन सब्टशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत आसानी से करवा सकते हैं खेल खेल में बच्चा इतनी इजीली ये कॉन्सेप्ट सीख लेता है और साथ साथ उसकी हैंड राइटिंग क्योंकि डेवलप हो चुकी होती है थ्रू लैंग्वेज स्किल हमने उसको पेंसिल होल्डिंग भी सिखाई हुई होती है तो नंबर फॉर्मेशन जब उसने सीख ली है थ्रू सैंड पेपर लेटर तो अब आप इजीली उसको पेपर पे ये सम्स जो हैं वो करवा सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू दिस स्टैम्प गेम इसी तरह ये पॉजिटिव स्ट्रिप स्ट्रिप बोर्ड जो है वो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देने के लिए बहुत अच्छा एक ए, टूल है और इसके ज़रिए ना सिर्फ बच्चे को एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बल्कि टेबल्स उसको याद हो जाते हैं टेबल्स का कॉन्सेप्ट उसको बड़े ईजीली समझ में आ जाता है और इसके ज़रिए उसको टेबल्स ए, ए, याद करवाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है तो ये चीज़ें जो है ये मटेरियल की डिटेल मैं आपको अलग से वीडियो में दूंगी लेकिन क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ लेकिन इन सब मटेरियल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी कि ताकि आपको ये बता सकूँ कि इनको यूज़ कैसे करना है सो दिस इज़ द एंड ऑफ़ टूडेज़ वीडियो इन we वी हैव the द मैथमेटिकल of ऑफ चाइल्ड और उसके mathematical concept को develop करने के लिए कौन कौन सी exercises करवाई जाती हैं मॉन्ट्री में कौन कौन सा material यूज़ होता है अब अगर आपको इन material की यूज़ के लिए फर्दर डिटेल चाहिए तो इन आने वाली videos में मैं इन material को यूज़ करना भी सिखाऊंगी और मॉन्ट्री कोर्स की नेक्स्ट वीडियो विल be माई लास्ट वीडियो और कल्चर के ऊपर होगी कल्चर में उसकी जनरल नॉलेज उसकी साइंस uh, का कॉन्सेप्ट और उसके जो इन्वामेंटल स्टडीज़ हैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कल्चर में इसके अलावा उसकी कलरिंग एंड कलर्स का कॉन्सेप्ट और उसके आर्ट वर्क जो है वो सारा भी कल्चर में ही इंक्लूड होता है तो लास्ट हमारा टॉपिक होगा कल्चर के बारे में इन शीयूसोन अला हाफ़